रूस और यूक्रेन का युद्ध फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। हालात ये हैं कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों पर अपना कब्जा जमाने के लिए अभियान तेज कर चुका है। लगे हाथ यूक्रेन को बता दिया है कि उसकी कोशिशों को अमेरिकी हथियार के दम पर रोक पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी नई रणनीति के साथ रूस के सामने है। अब हालात ऐसे ही रहे तो दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा भयंकर युद्ध की स्थिति बनेगी। यूक्रेन का युद्ध अब और विनाशक होता जा रहा है। दोनों तरफ प्रतिशोध की आग जल रही है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं। तो यूक्रेन के ठिकानों पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन अपनी रणनीति बदल रहा है। जेलेंस्की की सेना अब डिफेंसिव युद्ध लड़ेगी, मतलब ये कि अब वो सिर्फ और सिर्फ रूसी सैनिकों के हमलों का जवाब देगी। तो रूस इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि उसके विजय रथ को किसी भी तरह से रोक पाना जेलेंस्की की सेना के लिए संभव नहीं है। दोनों तरफ से जारी अटैक के एक एक वीडियो को पहले देखिए, फिर यूक्रेन की नई रणनीति के बारे में बताएंगे। यूक्रेन की ओडेसा की ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरह से रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन को बर्बाद करने में लगी हैं। चारों तरफ ढह चुकी बिल्डिंग एक एक कहानी बयां कर रही है। पुतिन की सेना दिन रात एक करके यूक्रेन को निशाने पर ले रही है। रूसी सैनिकों की बर्बरता यही तक नहीं है। ये यूक्रेन के ओचेटिन शहर की तस्वीर है जहां रूसी सैनिकों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अब तक रूस का दावा है कि शहर का करीब 75% हिस्सा उनके नियंत्रण में आ चुका है और अब काफी तेजी से यूक्रेन के सैनिक पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये खार्किव ओब्लास्ट के बालाकलिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां रूसी सैनिकों ने अटैक करके तबाही ला दी। रेलवे स्टेशन से लेकर पटरी पर खड़ी ट्रेन तक को क्षति पहुंची है। स्टेशन के कई हिस्सों को रूसी सैनिकों ने टारगेट किया था। यह भयावह तस्वीर है। डराने वाली यह तस्वीर यूक्रेन के किसी हिस्से की है जहां दो रूसी सैनिक यूक्रेन के टैंक माइन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका तीसरा साथी उनके करीब पहुंचने ही वाला था। तभी तेज धमाका होता है और दोनों रूसी सैनिक घायल हो जाते हैं। यह पूरी तस्वीर यूक्रेन के ड्रोन में कैद हो गई। ये तो रूसी सैनिकों की बर्बरता की कहानी है। जेलेंस्की की सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। रूस में यूक्रेनी सैनिक क्या कर रहे हैं इसकी एक एक तस्वीर आप देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक लड़ाकू जेट से ड्रोन को गिराया जा रहा है। दावा है कि लड़ाकू जेट यूक्रेन का था, जबकि रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया। इसमें यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू जेट से रूसी ड्रोन को नष्ट किए जाने की बात कही जा रही है। यूक्रेनी सैनिक आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में है। इस वीडियो में एक यूक्रेनी हाइमर्स एक रूसी बुक M1 सदर से हवा में मार करने वाली मिसाइल को नष्ट कर रहा है। खबर है कि यूक्रेन की तीसरी स्पेशल ऑपरेशन रेजिमेंट ने इसे बर्बाद किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की $100 मिलियन के मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। यह रूसी सैनिकों के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। यूक्रेनी सैनिकों को अभी अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिसके बाद यूक्रेन लगातार रूसी धरती पर अहम जगहों को निशाना बना रहा है। खासकर लॉन्ग रेंज हथियार से रूसी सैनिकों के अड्डों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी सैनिकों की रणनीति बदलने की खबर पर रूस ने चुटकी ली है। रूस का कहना है कि अमेरिकी हथियार ना तो रूसी सैनिकों को रोक सकता है और ना ही पुतिन के विजय रथ को रोक पाएगा। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि आने वाले दिनों में खेल और बदलेगा।
क्योंकि उसके पास जो हथियार है वो खेल को कभी भी पलट सकता है। यूक्रेन को मिली मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करने वाली है। यूक्रेन को अक्टूबर 2023 से अमेरिका मिसाइल दे रहा है। आने वाले दिनों में भी यूक्रेन को मिसाइलें मिलेंगी। यूक्रेन काफी समय से लंबी दूरी वाली मिसाइल मांग रहा था। डेनमार्क से भी यूक्रेन को $633 मिलियन मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध में अभी यूक्रेन और ज्यादा ताकतवर होगा और फिर रूस के साथ मुकाबले की स्थिति में आ जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के लिए अलग से भी हथियारों का पैकेज तैयार कर रहा है और जल्द ही ये यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका $6 अरब का हथियार यूक्रेन को देगा। पैकेज में एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन शामिल होंगे। तोपखाना काउंटर ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेगा। माना जा रहा है कि बीते 24 घंटे में खतरनाक जंग हुई है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के सैनिकों को मारने की होड़ लगी है। बीते 24 घंटे जंग के सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 1050 सैनिक मारने का दावा किया है तो रूस ने यूक्रेन के 2210 सैनिक मारने का दावा किया है। हालात अभी और खराब होंगे क्योंकि पेंटागन ने यूक्रेन को फ्रंट लाइन से अब्राम्स हटाने को कह दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सैनिक लगातार अब्राम्स को टारगेट करके ध्वस्त कर रहे हैं और इसे वॉर ट्रॉफी की तरह क्रेमलिन में सजाया जा रहा है। ये भी सच है कि रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई शहरों को अपने कब्जे में लेने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। मतलब दोनों तरफ से क्रोध की ज्वाला भड़क रही है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी ब्रिगेड यूक्रेन को तबाह करने के लिए भीषण प्रहार कर रही है तो वहीं यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए तमाम पश्चिमी देश एकजुट हुए हैं। दो दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया तो अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को करीब 1600 लेजर गाइडेड पेववे बॉम्ब की खेप देने जा रहा है। आखिर कैसे ब्रिटेन का ये 230 किलो वजनी विनाशक रूसी इलाकों में तबाही मचाएगा, ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आप भी देखिए। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देश भी यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल चुके हैं। हर नए दिन के साथ यूक्रेन को विध्वंसक और विस्फोटक हथियारों की सप्लाई हो रही है और इस बार रूस के फैब 500 बम के जवाब में यूक्रेन को नेटो ने पेव वे 4 गाइडेड बमों की खेप भेजी। रूसी सरजमी को दहलाने के लिए, रूसी कब्जों वाले इलाकों में कोहराम लाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को पेव वे 4 गाइडेड बम की खेप भेजी है। यूक्रेनी सेना को करीब 1600 पेव वे 4 गाइडेड बम दिए गए। 230 किलो वजनी बम को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है। जीपीएस सिस्टम से लैस पेव वे 4 ड्यूल बोर्ड गाइडेड बम है। देखने में यह बम भले ही किसी मिसाइल की तरह लगता हो लेकिन असल में यह हाईटेक सिस्टम से लैस होता है।
इसलिए इसकी बनावट को मिसाइल शेप में रखा गया है ताकि आसानी से इस गाइडेड बम को एयरक्राफ्ट या फिर बम्बर के जरिए आसमान से ड्रॉप किया जा सके। और जैसे ही ये बम टारगेट को हिट करता है, जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उड़ने लगता है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए किसी भी मूविंग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि आसमान से ड्रॉप होने के साथ ही ये गाइडेड बम जीपीएस के जरिए सटीक हमला करता है और भीषण तबाही मचा देता है, हूबहू किसी एटम बम की तरह। जहां एक तरफ ब्रिटेन 500 पाउंड वजनी पेव वे बम की खेप यूक्रेन को दे रहा है, तो वहीं यूक्रेन के पेव वे 4 गाइडेड बम के जवाब में रूस ने भी फ्लोटिंग ड्रोन से वॉर जोन में तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों में मौजूद ब्रिज, डैम और पावर प्लांट को टारगेट करने के लिए फ्लोटिंग ड्रोन तैयार किया है जो हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से लैस होगा और किसी कामिकाज़ी ड्रोन की तरह यूक्रेनी इलाकों में प्रहार करेगा। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को उड़ाया, ठीक उसी तरह रूस भी अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद ब्रिज डैम को उड़ाएगा ताकि यूक्रेनी सेना की मूवमेंट रोकी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ताइवान को लेकर भिड़ने वाले अमेरिका और चीन अब एक दूसरे मुद्दे को लेकर एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। ये हालात उस वक्त बने जब अमेरिकी विदेश मंत्री चीन दौरे पर पहुंचे। चीन ने सीधे तौर पर ब्लिंकन के सामने फिलीपींस की मदद करने की आपत्ति जताई। ऐसे में ब्लिंकन जिस मंसूबे से चीन पहुंचे थे वो मामला अटक गया। आखिर क्यों चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ा है और क्यों साउथ चाइना सी में बारूदी जलजला आ सकता है, वो आप इस रिपोर्ट से जानिए। एक बार फिर से साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि ब्लिंकन के चीन दौरे के बाद भी दोनों देशों में तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बार तनातनी ताइवान पर नहीं बल्कि फिलीपींस को लेकर है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह अमेरिका फिलीपींस की वॉर ड्रिल, दूसरी वजह फिलीपींस को मिसाइल सिस्टम मिलना। और दोनों के लिए ही चीन अमेरिका को जिम्मेदार मान रहा है। एक तरफ जहां पिछले 6 महीने में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ वॉर ड्रिल की है, ये ड्रिल अभी भी चल रही है, इसको लेकर चीन गुस्से में है। इसके अलावा अमेरिका ने मिड रेंज कैपेबिलिटी वाला मिसाइल सिस्टम टाइफून फिलीपींस भेजा है जिसे उत्तरी फिलीपींस में तैनात किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम टोमहॉक और SM-6 मिसाइल दोनों ही दागने में सक्षम है, यानी अब चीन की दादागिरी पर फिलीपींस लगाम लगा सकता है, चीन के युद्धपोत की घुसपैठ रोक सकता है। ऐसे में चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। ब्लिंकन के साथ मीटिंग में ये मुद्दा उठाया जिसमें कहा, हम अमेरिका के उठाए कदम का विरोध करते हैं जिसमें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को दिया गया है। हमारा कहना स्पष्ट है कि अगर अमेरिका इसी तरह हमारे मामलों में दखल देता रहा तो इससे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा।
मजबूरन हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम स्थिरता चाहते हैं। चीन ने अमेरिका को इस मामले में धमकी दी है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और युद्धपोत फिलीपींस के पास पहुंचाकर वॉर ड्रिल शुरू की है। यानी हालात इतने बिगड़ गए हैं जिससे ब्लिंकन का दौरा भी प्रभावित हो गया है, जबकि इस बीच चीन ने अपने तेवर जता दिए हैं। एक तरफ कंबोडिया में जिबूती के बाद एक और परमानेंट नेवल बेस शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हथियारों से लदे रूसी वॉरशिप को पोर्ट पर जगह देकर बता दिया है कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ है। जाहिर है ब्लिंकन को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वो जिनपिंग को रूस का साथ नहीं देने के लिए मनाने पहुंचे थे, लेकिन चीन के कड़े तेवर देखकर अमेरिका समझ गया है कि हालात नहीं बदलने वाले। इसलिए अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ड्रिल कर रहा है, जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और अब बात किम जोंग की। उत्तर कोरिया में किम जोंग को लेकर एक गीत रिलीज किया गया है, जिसमें उसे सिर्फ बड़ा नेता ही नहीं बताया गया है, उसे उत्तर कोरिया का फ्रेंडली फादर भी बताया गया है। गीत के बोल क्या हैं और इसे लेकर कैसी चर्चा है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ये गीत किम जोंग ने खुद की प्रशंसा में तैयार करवाए हैं। गीत के एक एक बोल में बताया गया है कि किम जोंग उत्तर कोरियाई नागरिकों के लिए सिर्फ महान नेता ही नहीं है, उनके फ्रेंडली फादर भी है। फ्रेंडली फादर बोले तो दोस्त की तरह पिता। इस गीत का नाम भी यही रखा गया है, फ्रेंडली फादर। दो मिनट के इस गीत में उत्तर कोरिया के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग दिख रहे हैं, जिनके ऊपर इस गीत को फिल्माया गया है। उसमें बच्चे भी हैं, सैनिक भी, मेडिकल। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री हादसे का शिकार हुए हैं। मंत्री वेंटवेयर कार हादसे में जख्मी हो गए हैं। हादसे के पीछे साजिश की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इजराइल से सामने आ रही है, हादसे के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है।